नमस्कार। जैसा कि अब्राहम लिंकन जी ने डेमोक्रेसी के ऊपर कहा था, गवर्नमेंट बाय द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, मतलब उसने जनता को ही सारी अथॉरिटी दी, सब सम्मान दिया, उसको ही सबसे ज़्यादा ऑनर किया। तो इसका मतलब जो है, पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब राज करने वाली पार्टियां नहीं हैं, सत्ता हासिल करने वाली पार्टियां नहीं हैं, वो भी उसको रीनेम किया जाए। पॉलिटिकल पार्टी शुड बी कॉल्ड पब्लिक प्रोग्रेस पार्टीज। जो पॉलिटिकल पार्टीज जिनका जो मिशन है वो जनता का विकास करना है, जनता का कल्याण करना है, तो उसका नाम भी तो उसी के मुताबिक होना चाहिए, पब्लिक प्रोग्रेस पार्टीज। जब ये नाम होगा तो वो कुछ ना कुछ तो सोचेंगे ना कि हमें पब्लिक की प्रोग्रेस के लिए काम करना है। अब तो वो कहते हैं ना, पॉलिटिकल पार्टी हैं हम, तो राजनीतिक पार्टियां हैं, तो वो राजनीति करते हैं, पब्लिक की प्रोग्रेस का, देश के विकास का, जनता के कल्याण का, उसका इतना नहीं सोच पाते जितना वो ये सोचते हैं कि हमें वोट मिल जाए और हम राज करें। तो मेरा विचार है कि अगर हम थोड़ा सा नामकरण चेंज करें तो शायद जो नेता हैं उनमें जनता की सेवा करने का, जनता के विकास करने का, देश को विकास करने का एक जो है भावना पैदा होगी। क्योंकि बार बार अगर आप किसी को कहते हो ना कि आप बहुत अच्छे हो, तो बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा बनने की कोशिश भी करता है। तो नेताओं को जब ये याद रहेगा, बार बार याद दिलाया जाएगा पब्लिक प्रोग्रेस पार्टीज, तो फिर कुछ ना कुछ तो सोचेंगे ना, जनता भी तो कहेगी आप तो, आपको हमने चुना है पब्लिक की प्रोग्रेस करने के लिए, तो कुछ तो करो। तो इस पे सोचो, विचार करो, डिस्कशन करो, सेमिनार ऑर्गेनाइज करो, और जो मीडिया वाले हैं वो भी इस तरह के थे ग्रुप डिस्कशन करें, और एक जिस तरह की सभा सी बुला के पब्लिक से व्यू लिए जाएं, और इस तरीके से करके इस विचार पे विचार किया जाए कि पॉलिटिकल पार्टी शुड बी कॉल्ड पब्लिक प्रोग्रेस पार्टीज। जय हिंद, जय भारत।